उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 92 साल की एक छात्रा है सलीमन। इस योजना के तहत परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा है। और कैसे घर कैसे घर। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसमें 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जनपद बुलंदशहर में 21,000 लोगों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें 2 राउंड की परीक्षाएं हो चुकी हैं और 24/9/23 को संपन्न हुई परीक्षा में एक हमारी अत्यंत बुजुर्ग महिला 92 वर्षीय सलीमन ने परीक्षा दी है, जो सबसे कौतूहल का केंद्र है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं। सलीमन स्कूल के दूसरे छात्रों के साथ क्लास में जाती हैं। गणित की गिनती सुनाने में उन्हें खूब मजा आता है। 2, 3, 4, 5 मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। मार चलने का दौर है, स्कूल आती जो मैं लौट गिन लेती हूँ, जब गिन लेती हूँ मार चलने मजा सब बता रही है, जब मैं गिन लेती हूँ मैं। स्कूल में शिक्षक उनकी लगन से प्रभावित हैं। उन्हें अपनी क्लास में सलीमन का होना अच्छा लगता है। ये 2 साल से इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा दिखने में भी इनको प्रॉब्लम है, लेकिन अम्मा 92 साल की एज होने के बावजूद सर इनके अंदर एक इतनी चाह है पढ़ाई के प्रति कि अम्मा अपने खुद ही आ जाना कि मास्टर नहीं मुझे पढ़ा दो, बच्चों के साथ बैठती हैं, गिनती याद करती हैं या बच्चे जो भी बोल रहे हैं, अक्षर का ज्ञान है तो उसे ओरल आराम से बोल लेती हैं, मौखिक उच्चारण अच्छे से कर लिया करती हैं, तो ये है। और अम्मा को देख के मेरे बच्चे मोटिवेट होते हैं। पढ़ाई को लेकर सलीमन का जुनून उनके घर की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है। अगर हमने भी पेपर दिए पास है स्कूल में, पर मुझे तो इनका हमारा सबका पहले से ही माना, लेकिन जब हम पढ़ ना पाए, अब पढ़ने में हिसाब किताब लगाने में अपना नाम साइन नहीं कर लेना। सलीमन की कहानी इस बात की मिसाल है कि कुछ करना चाहें तो उम्र सिर्फ एक संख्या है। यही बात इलाके के लोगों के लिए प्रेरणा है।